हरियाणा में आम आदमी पार्टी की ओर से निकाली जा रही बदलाव यात्रा का आज सातवां दिन है और आपकी बदलाव यात्रा आज प्रदेश के बहादुरगढ़, नारनौंद और गुहा पहुंची है। जनहित के मुद्दों के साथ जनता के बीच पहुंची आप यात्रा के माध्यम से लगातार सरकार को घेरने का काम कर रही है। ये तीन तस्वीरें आपके सामने हैं, बहादुरगढ़, नारनौंद और गुहला की ये तस्वीर आप देखिए, जहां पर आम आदमी पार्टी की ये यात्रा पहुंच रही है, अपनी उपलब्धियां गिना रही हैं, सरकार की जो खामियां हैं वो जनता के सामने रखी जा रही हैं। जिन राज्यों के अंदर हम चुनाव लड़ना शुरू करते हैं, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, उसके बाद टीम इंडिया बन गई। कांग्रेस का एक आरोप रहता था कि गुजरात में कहीं कहीं हम आपकी वजह से हार जाते हैं। हमने उसके बाद ना तो और कैंडिडेट खड़े किए और ना इन चुनाव को सीरियसली लड़ा के कांग्रेस से कहा कोई बात नहीं आप जीत लो, वो नहीं जीत पाए। ये बदलाव जो शुरू हो गया ये किसी हालत में अब रुकेगा नहीं। देखिए, विपक्ष का काम है आरोप लगाना, लेकिन उनके आरोप लगाने से आम आदमी पार्टी के काम छुप नहीं जाएंगे। अगर आम आदमी पार्टी ने काम नहीं किया होता दिल्ली और पंजाब में तो मोदी जी को हमारी नकल करने की जरूरत नहीं पड़ती। आम आदमी पार्टी के साथ जुड़िए, एक नया इतिहास रचेंगे, एक नया हरियाणा बनाएंगे। बदलाव यात्रा लोगों के बीच में अरविंद केजरीवाल जी का जो काम है, जो सोच है और उनका एक आह्वान लेके चली है कि हम हरियाणा को बदलने के लिए क्या तैयार हैं, अगर हैं तो आइए हम आम आदमी पार्टी की सोच और झंडे के साथ जुड़े। आज सातवें दिन पर आज यात्रा हाईलाइट करना चाहती है, केंद्रित करना चाहती है हरियाणा की बिगड़ी हुई स्वास्थ्य व्यवस्थाओं।